जय माता दी। देखो बच्चा खरगोश का अच्छा यार। फिलहाल एक गड्डी आ रही है, तो देखो जैसे ये भाई अकेले आ रहे हैं यार, कोई टॉर्च नहीं कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका B1 व्लॉग्स में, और हम स्टार्ट कर रहे हैं देघाट के मंदिर से अपनी एक और वीडियो। जय माता दी। देख तो अभी हम निकल रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारी आज की है। मज़ा आने वाला है गाइस, वीडियो में बने रहना, और लाइटिंग वाइटिंग अच्छी करेंगे बाहर ताकि आपको पूरा देख सके हमारा कैंपिंग टेंट लगते हुए। और यहाँ से भाई का ताबड़तोड़ बाइक चलने वाली है, क्योंकि हमने आज पूरी ऑपरेटिंग करी है। हम पागल हो जाते हैं जब हम अच्छी रोड देखते हैं। खरगोश का अच्छा यार। वो सोच ही नहीं पा रहा कहाँ जाऊँ। भाग गया। अरे भाई सोच ही नहीं पा रहा कहाँ जाऊँ। इस रोड पे अगर लाइट लग जाती ना तो क्या मजा आ जाता यार। लाइट नहीं है रोड पे, लेकिन यार कितनी लाइट लगाएगा कोई भी। लेकिन यह है कि सोलर वाली लग जाती ना जो अपना भी रात को जल जाती तो भी ठीक था। फिलहाल एक गड्डी आ रही है, तो देखो जैसे ये भाई अकेले आ रहे हैं यार, कोई टॉर्च नहीं कोई कुछ नहीं। यार हिम्मत है यार बंदों की, सोच रहे हो आप पूरे जंगल वाला रास्ता है और बंदा अकेला आ रहा है बिना टॉर्च लगाए। भाई ये होता भाई खतरों के खिलाड़ी। अभी कोई गांव आ गया होगा यहाँ पर। देख रहे हो हम कितनी जल्दी 2 किलोमीटर भी आ गए, और सिर्फ हमें 4 या 5 मिनट लगेंगे 2 किलोमीटर आने में, नहीं तो वहाँ तो यार 10 मिनट लग रहे थे 2 किलोमीटर आने में। कोई बात नहीं, यही होता है रोड। और उसका एक बात ये भी है ना, हम थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हमें रोड अच्छी मिल गई है। लाल नगरी 4 किलोमीटर है, अभी 4 किलोमीटर हो जाना मतलब 5 किलोमीटर जाना है टोटल, और तो अभी है 45 मतलब 50 किलोमीटर हो जाएंगे हमारे जब हम डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अच्छा है यार रोड बनी है ना, इसका मतलब फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर रोड अच्छी है तब तो 4-5 किलोमीटर भी अच्छे लगते हैं। अगर रोड ख़राब है तो भैया वो दिक्कत करते हैं बहुत ज़्यादा। फिलहाल रोड तो अच्छी ही लग रही है, दिख जा भैया उसको दिख जाने चाहिए। दो किलोमीटर आ गया लाल नगरी, लाल नगरी 0। खरगोश फिर से मिल गया एक और। भंडारी बाखली लाल नगरी, तो यह भंडारी बाखली। बाइक वैक सब दिख रही है, तो मतलब यहीं आसपास कोई गांव भी है। सबसे पहले तो रोड में यही देखेंगे हम पहले।
तो यहाँ एक सूप लगा रखा है, सूप मतलब जो घास को सुखा देते हैं ना, ताकि वो गाय भैंस को चारा के तौर पे बाद में भी दिया जा सके, वो कर रखा है। छोटा सा ब्रिज आ गया। हाँ ये है मेरे ख्याल से धारकोट उगली सिम, आई थिंक यही है। पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में, यही है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया डेस्टिनेशन पर पहुंच के। ओहो भाई भी वेट कर रहे हैं। और बढ़िया, पहुंच गए आखिरकार 7 बजे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में, और हमें धारकोट में जो है देघाट से 9 किलोमीटर के ऊपर, और पहले लाल नगरी पड़ता है, उसके बाद पड़ेगा धारकोट। और साथ यहाँ पर हम जहाँ पर आ रखे हैं वो पूरा ये है इनका घर, और इनके जहाँ रहते हैं उन यशपाल जी के पास आए। तो हेलो यशपाल जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। और ये है धारकोट, और ये है चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। इनका यहाँ पर आ रखे हैं, बहुत बढ़िया है। और आपको पूरी लोकेशन दिखाएंगे सुबह के टाइम की। बाकी आपको बता दूँ, इनके प्रेमिसिस में बहुत सारी सुविधाएँ हैं, वो आपको सुबह बताया जाएगा, क्योंकि अभी रात हो रही है। तो जो मौका सुबह आएगा दिखाने में, जो आपको बताने में इसका, तो इस वीडियो को क्या करते हैं यहीं पर एंड, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, जो अभी यहाँ कैंपिंग लगाएंगे इसी एरिया में, क्योंकि यहाँ ना बाघ और तेंदुओं का बहुत खतरा है, और मतलब कि काफ़ी जंगल है यहाँ, डेंस जंगल है, इसलिए ये सेफ है, इसी एरिया में लगाएंगे टेंट। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट करना कि आपको इस रूट का कितना मज़ा आया।